क्लास 12 आव्यूह की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में है पहला भाग। प्रश्न नंबर 7 पहला देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक सममित आव्यूह है। ठीक ना, ए बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है, 1 - 1 - 5 - 1 - 2 - 1 - 5 - 1 - 3। ठीक ना, तो इसको हमको सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो सममित आव्यूह होता है जैसे ए अगर कोई एक आव्यूह दिया है तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, यदि ये ए के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ए एक सममित आव्यूह है। तो हम इसका पहले परिवर्त ज्ञात कर लें। तो परिवर्त के लिए क्या बताया था, एक जो पंक्ति है वो स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक ना, तो पहले इस पहली पंक्ति को देखते हैं। तो देखिए लिखा है 1 - 1 - 5, तो ये जाएगा 1 - 1 - 5, फिर ये -1 - 2 - 1, और इसको करेंगे 5 - 1 - 3। ठीक ना, तो अब देखिए जो ए डैश हमने निकाला वो ए के बराबर ही है। देखिए ठीक ना, -1 - 5 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 5 - 1 - 3 - 5 - 1 - 3। तो इस प्रकार ये आया, चूंकि ए डैश बराबर ए आया तो लिखेंगे, अतः आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। ठीक ना, तो इस प्रकार ये हो गया। दूसरा भाग देखते हैं इसमें, दूसरे में लिखा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, यहां भी एक आव्यूह दिया हुआ है, ए बराबर 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0। ठीक ना, ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक ना, तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, देखिए विषम सममित आव्यूह में यदि कोई एक आव्यूह ए दिया हुआ है तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, और यदि ये इस प्रकार अगर आए ठीक ना, माइनस साइन के संग आव्यूह आव्यूह आ जाए ठीक ना, तो बोलेंगे विषम सममित आव्यूह है, और ये ये सममित आव्यूह का कंडीशन है। इसमें हम परिवर्त ज्ञात कर लें, तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बदल लेंगे, तो लिखेंगे 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 और 1 - 1 - 0। ठीक ना, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए डैश बराबर माइनस। ठीक ना, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ये +1, ये -1, ये -1, ये 0, ये 1 - 1 और ये 0। ठीक ना, तो अब देखिए ये ए के बराबर आ गया, 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0। ठीक ना, ये आ गया, तो इसका मतलब ये हमको क्या प्राप्त हो गया, ए डैश निगेटिव ऑफ आव्यूह ए आ गया। ठीक ना, तो इस प्रकार अतः लिख सकते हैं आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक ना, तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया। तो प्रश्न नंबर 7 हो गया, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ए बराबर देखिए क्या दिया है आव्यूह, 1 - 5 - 6 - 7। ठीक ना, 2 × 2 का एक वर्ग आव्यूह है, के लिए सत्यापित करना है। पहला देखिए लिखते हैं, a + a - एक सममित आव्यूह है, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक ना, तो इसके लिए ये ज्ञात है हमको, a डैश निकाल लेते हैं, है ना, तो a डैश बराबर जो पहली पंक्ति में है वो स्तंभ में, तो 1 - 5 पंक्ति में है तो ये स्तंभ में बदल देंगे, लिखेंगे 1 - 5, यहाँ 6 - 7। ठीक ना,
अब क्या करेंगे, a प्लस ए डैश, तो हम इनको जोड़ लेते हैं, a प्लस ए डैश बराबर 1, 5, 6, 7 प्लस 1, 6, 5, 7, ठीक ना, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए संगत अवयव ही जुड़ेंगे तो एक में एक जुड़ेंगे, तो 1, 1, 2, 6, 5, 11 हो जाएगा, 6 यहाँ भी है 11 हो जाएगा, और ये 7, 7, 14, ठीक ना। तो हम इसका देखिए इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखते हैं a प्लस ए डैश का परिवर्त। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2, 11 यहाँ हो जाएगा, 2, 11 है तो यहाँ 2, 11 और 11, 14 है, तो इसको कॉलम बदलेंगे तो 11 ये 14 आ गया, ठीक ना। तो जब हमने a प्लस ए डैश, ये रहा a प्लस ए डैश है ये, ठीक ना, इसका जब हमने परिवर्त ज्ञात किया तो देखिए a प्लस ए डैश के बराबर ही आ गया। तो लिखेंगे चूंकि a प्लस ए डैश, ठीक ना, का डैश अगर निकालें तो हम a प्लस ए डैश के बराबर आ गया, तो लिखेंगे अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक ना। तो ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग देख लेते हैं, लिखा है यही, दूसरा लिख लेते हैं, सेकंड नंबर लिखा है इसमें a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम a और a डैश तो दोनों ज्ञात किया हुआ है, हम माइनस ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे a माइनस ए डैश बराबर पहला आव्यूह 1, 5, 6, 7 माइनस, देखिए 1, 6, 5, 7, ठीक ना, ये हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटाने में दो आव्यूह का अगर घटाना है तो संगत अवयव ही घटते हैं। देखिए एक में एक गया 0, पाँच में 6 गया माइनस 1, 6 में 5 गया 1, अब 7 में 7 गया 0, ठीक ना। अब हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, देखिए a माइनस ए डैश जब ज्ञात किया तो देखिए ये एक आव्यूह प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब अगर हम इसका परिवर्त ज्ञात करें, अगर वो इसके माइनस के साइन के संग a माइनस ए डैश के बराबर आ जाए तो बोलेंगे ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, पहले डैश बराबर देखिए 0, -1 है तो जाएगा 0, -1, 1, 0 है तो यहाँ 1, 0 हो जाएगा, ठीक ना। और हम इसमें माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो माइनस कॉमा लेंगे तो ये जाएगा 0, ये -1 और ये प्लस और ये 0, ठीक ना। तो देखिए ये इसके बराबर आ गया, 0, -1, 1, 0, 0, -1, 1, 0, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a माइनस ए डैश का डैश बराबर a माइनस ए डैश के बराबर है माइनस साइन के साथ, ठीक ना, यहाँ प्लस में है वहाँ माइनस में है, तो लिखेंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना। तो प्रश्न 8 के दोनों भाग सिद्ध हो गए, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है, प्रश्न नंबर 9 में एक आव्यूह दिया है, इसके लिख लेते हैं 0, a, b, -a, 0, c, -b, -c, और 0, ठीक ना, ये है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, देखिए लिख लेते हैं, हम ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश, ये देखिए दोनों ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम पहले ज्ञात करते हैं इसको, पहले ए दिया हुआ है तो हम इसका एक परिवर्त पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहीं ज्ञात कर लेते हैं, देखिए a डैश, ठीक ना, तो ये जाएगा 0, a, b, इसको स्तंभ में लिख लेंगे 0, a, b,
और ये हो जाएगा माइनस ए शून्य सी, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और शून्य। तो देखिए इसका परिपथ भी ज्ञात हो गया। अब देखिए इसमें दोनों का योगफल ज्ञात करने को बोला है, तो लिखेंगे पहले a प्लस ए डैश, तो a है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c शून्य प्लस, और ये रहा परिवर्त, शून्य माइनस a माइनस b, a शून्य माइनस c b c शून्य, ठीक ना। तो जोड़ते हैं इनको, तो देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो ही प्राप्त हुआ, a में माइनस a मतलब ये शून्य हो गया, b में माइनस a शून्य, a ये शून्य, o तो यह ही है जीरो जीरो, ये शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, ये शून्य हो गया और ये शून्य हो गया। तो इसका एक बटे दो भी यही चीज़ रहेगा, तो एक बटे दो ए प्लस ए डैश बराबर भी जीरो को दो एक बटे दो से हल करेंगे तब भी ये जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो 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 जीरो, तो इस प्रकार ये शून्य अवयव प्राप्त हुआ, ठीक ना। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव अगर शून्य हो तो उसको शून्य अवयव बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका ज्ञात हो गया। अब हम a माइनस ए डैश इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए a माइनस ए डैश बराबर, देखिए क्या क्या लिखा है, a शून्य a b माइनस a शून्य c माइनस b माइनस c शून्य को माइनस करना है, तो a डैश कितना है, ये रहा शून्य माइनस a b माइनस b है माइनस b, a शून्य माइनस सी बी सी ओ मतलब जीरो। तो इसको हल करेंगे, देखिए तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो ए माइनस माइनस ए, तो ये दोनों माइनस ए मिलकर प्लस है, तो ए और ए टू ए, इसी प्रकार ये माइनस बी मिलकर बी, तो बी और बी को जोड़ेंगे तो टू बी, और ये माइनस ए है और ये माइनस ए, तो माइनस टू ए, और ये जीरो है ही, और ये दो माइनस मिलके प्लस, तो जाएगा टू सी, और बी और ये माइनस बी, तो माइनस टू बी, और ये माइनस माइनस टू सी जीरो, ठीक ना। अब इसका क्या करना है, एक बटे दो करना है हमको, तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक बटे दो ए ए माइनस ए डैश, ठीक ना। तो जाएगा जीरो बटे दो, दो ए बटे दो, टू बी बटे दो, माइनस टू ए बटे दो, जीरो बटे दो, टू सी बटे दो, माइनस टू बी बटे दो, माइनस टू सी बटे दो, जीरो बटे दो। तो देखिए क्या ज्ञात होता है, जीरो बटे दो मतलब जीरो, ये कट जाएगा तो ए बचेगा, ये कट गया तो बी बचा, ये माइनस ए शून्य, और ये सी ए कटा ये कटा, तो माइनस बी माइनस सी और ये जीरो आया, ठीक ना। तो ये हमको ज्ञात हो गया, ये इसमें ये ज्ञात हो गया और वो ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला दिया हुआ है, एक अवयव दिया है, हम इसको ए मान लेते हैं, ये है 3, 5, 1, -1, ठीक ना। तो अब इसको देखिए इसका परिवर्त भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, ए डैश बराबर 3, 5, 1, -1, ठीक ना। तो हम इसका योगफल करते हैं, a प्लस ए डैश बराबर 3, 5, 1, -1 योगफल है 3, 1, 5, -1। तो इनका योगफल कर लेते हैं,
तो देखिए 3 और 3 6, 5 1 6, 5 1 6 और ये -2, ठीक ना। और इसका 1/2 कर लेते हैं यहाँ पर, 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 करेंगे 6/2, 6/2, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1/2 6, 6, 6 -2, तो देखिए इसका क्या जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2 आ गया, ठीक ना। तो इसको हम देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश को हम बी मान लेते हैं, ठीक ना। माना बी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक ना। अब हम इस आव्यूह को, जो आव्यूह प्राप्त हुआ है, हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बी डैश, ठीक ना, इसको पूरा इतना लिखने से अच्छा इसको बी मान लिए हैं तो बी डैश ले लिया, तो ये जगह 3 3 है तो यहाँ 3 3 हो जाएगा, और 3 -1 तो इसको स्तंभ बदलेंगे तो 3 -1 ये प्राप्त हो गया। तो देखिए जब बी डैश निकाला तो बी के ही बराबर आया, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक ना। मतलब बी डैश देखिए बी के बराबर आ गया है, ठीक ना। तो इसलिए अब देखिए बी क्या है, ए 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक ना। तो ये इसका इस प्रकार सममित आव्यूह लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ए माइनस ए डैश निकालते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें लिखा है एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इसको देखिए इस प्रकार के रूप बदलना है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक ना। इसको इस रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो ये रहा हमने इतना, ए प्लस ए डैश 1/2 निकाल लिया है, अब ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, ए माइनस ए डैश, तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1, में से घटाएंगे ए डैश को, तो 3 1 5 -1, तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 5 गया -4, और 1 और -2 माइनस मिलके प्लस, तो 1 में 1 गया 0 आ गया, ठीक ना। तो इसको 1/2 कर लेते हैं, अब तो लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 0 4 -4 0, तो ये आ जाएगा 1 1/2 करेंगे तो यहाँ 0/2 का मतलब ये 0 ही हो जाएगा, ये 2 2 4, 2 2 4 और ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको हमने मान लिया, अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, सी मान लेते हैं, ठीक ना। तो सी बराबर 1/2 यहाँ लिख लेते हैं, सी बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक ना। अब इनको अगर हम जोड़ें, ठीक ना, देखिए इन दोनों का योगफल हमको ए के बराबर प्राप्त करना है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक ना, जो बी माना था ये बी और ये सी, तो देखिए इसका मतलब क्या क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये जोड़ लें तो इसका मान कितना आया है, ये रखा है, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 3 3 -1 प्लस, और ये देखिए ये रखा है, ये आया है, ठीक ना। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 0 2 -2 0, ठीक ना। इनको देखते हैं कितना आ रहा है, तो देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, और 1 ये -1 आ गया, ठीक ना। तो देखिए क्या आ गया, ये पहला ए आ गया, ठीक ना, 3 5 ए, तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल करेंगे तो ये बराबर ए के बराबर आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने इसको इस रूप में व्यक्त कर लिया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 का दूसरा भाग।
तो दूसरे भाग में है, इसको भी इसको ए मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें है 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, ये लिख लिया। इसका पहले हम परिबद्ध ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डैश बराबर 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, ठीक ना। अब इनका योगफल करके लिख लेते हैं, तो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, प्लस इसका परिवर्त है 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, ठीक ना। तीन का योगफल कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 ये 12, -2 -2 -4, और 2 2 4, ये 2 -2 -4, और 3 3 6, और ये -2, 2 2 4, -2, 3 3 6, ठीक ना। तो इसका 1/2 निकालते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर, तो 1/2 करना है यहाँ पर हमको, तो 1/2 लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 12 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6, तो इसको करेंगे तो जाएगा 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और 2 3 6, ठीक ना। अब इसको हम इतना बड़ा लिखें या इसको हम बी मान लेते हैं, तो बी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ये हो गया। अब इसका हम परिबद्ध ज्ञात करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये लिखेंगे बी डैश बराबर, देखिए 6 माइनस 2, 2, और ये -2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, ठीक ना। तो देखिए ये अपने को b के बराबर ही आ जाएगा, तो देखिए ये 6 सेम चीज़ आ गया, ठीक ना, सेम चीज़ है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि b डैश बराबर b है ना, इसका परिवर्त b के बराबर है। अतः ये जो ये पूरा हमको ज्ञात हुआ ये वाला, ये एक सममित आव्यूह है, मतलब 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे अतः 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक ना। अब a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहीं पर, लिखेंगे यहाँ पर a माइनस ए डैश बराबर, a कितना है 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, और a डैश कितना है 6 माइनस 2, 2, ये है -2, 3 माइनस 1, और ये 2 माइनस 1, और 3, ठीक ना। तीन का जोड़ के देख लेते हैं, देखिए 6 में 6 गया 0, ये 2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0, और ये 2 माइनस ये 0, ये 2 प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0, ये 0, और ये 0 आ गया, ठीक ना। तो इसका 1/2 निकाल लेते हैं, 1/2 a माइनस a डैश, तो इसका भी यही आंसर 0 0 0 ही होगा, ठीक ना। इसको हम c मान लेते हैं, तो c का परिवर्त ज्ञात करते हैं, देखिए ये हो जाएगा
0 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
जाएगा माइनस जीरो 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 जीरो। तो इस प्रकार ये आया सी डैश माइनस सी के बराबर है। तो लिखेंगे अतः, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे अतः एक बटे दो ए माइनस ए डैश एक विषम सम्मित आव्यूह है, ठीक ना। तब इनका योगफल के रूप में दिखाना है तो इनको लिख लेते हैं एक बटे दो ए प्लस ए डैश प्लस एक बटे दो ए माइनस ए डैश बराबर। तो इनके दोनों आव्यूह को जोड़ लेते हैं, ए प्लस ए डैश कितना आया था, ये आया है कितना, जीरो जीरो आया है, जीरो 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 जीरो। अब इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा छः माइनस दो दो माइनस दो तीन माइनस एक दो माइनस एक तीन, ठीक ना। तो जो एक के रूप में एक ही है ये, ठीक ना, ये एक आ गया। तो दो एक सममित आव्यूह और एक विषम आव्यूह के योगफल के रूप में इस आव्यूह को हमने लिख लिया। देखिए प्रश्न नंबर 10 का तीसरा भाग देखते हैं, उसको एक आव्यूह मान लेते हैं a बराबर तीन तीन माइनस एक माइनस दो माइनस दो एक माइनस चार माइनस पाँच ये दो। अब देखते हैं इसमें इसका परिवर्त पहले ज्ञात कर लेते हैं, a डैश बराबर तीन तीन माइनस एक माइनस दो माइनस दो एक माइनस चार माइनस पाँच और दो। अब इसमें योगफल देख लेते हैं, a प्लस a डैश बराबर तीन तीन माइनस एक माइनस दो माइनस दो एक माइनस चार माइनस पाँच दो प्लस तीन माइनस दो माइनस चार तीन माइनस दो माइनस पाँच माइनस एक एक दो। तो इसको हल करेंगे तो देखिए तीन और तीन छः, तीन में से दो गया एक और माइनस एक माइनस पाँच माइनस एक माइनस चार माइनस पाँच और तीन में से दो गया एक माइनस दो माइनस दो माइनस चार, ये माइनस चार है ना, एक में से पाँच गया और ये जाएगा चार माइनस माइनस पाँच और माइनस ये माइनस चार हो गया और दो दो चार हो गया। अब इनका यू एक बटे दो कर लेते हैं, एक बटे दो ए प्लस ए डैश बराबर एक बटे दो छः एक माइनस पाँच एक माइनस चार माइनस चार माइनस पाँच माइनस चार और ये चार। तो एक बटे दो जाएगा तो देखिए जाएगा दो तिहाई छः ये कट जाएगा, तीन आया यहाँ नहीं कटेगा, एक बटे दो हो जाएगा माइनस पाँच बटे दो हो जाएगा, एक बटे दो ये माइनस दो ये माइनस दो और ये पाँच बटे दो माइनस दो और ये दो, ठीक ना। तो इसको हम b मान लेते हैं, b बराबर एक बटे दो ए प्लस ए डैश, इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं तो हो जाएगा b डैश बराबर ये पहला पंक्ति को पहले रो में बदल देते हैं तीन एक बटे दो और माइनस पाँच बटे दो, एक बटे दो माइनस दो और माइनस दो, ये हो जाएगा पाँच बटे दो माइनस दो और ये दो, ठीक ना। तो देखिए ये आ गया b डैश b
डेस्क क्या आ गया देखिए, 1/2, 5/2, एक माइनस पाँच, ठीक ना। ये माइनस था तो ये माइनस छूट गया यहाँ पर, ये माइनस पाँच हो गया तो ये माइनस, ठीक ना। तो ये सेम आ गया 1/2 माइनस, ठीक ना। तो ये हो गया b के बराबर आ गया। तो इसका मतलब अतः a प्लस a डैश 1/2 एक सममित आव्यूह है, ठीक ना, एक सममित आव्यूह है। अब इसी प्रकार माइनस वाला ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे a माइनस a डैश बराबर, ये कितना है, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2 में से a डैश को हटा लेते हैं। तो ये है 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2। तो इसको घटाते हैं, देखिए देखिए 3 में 3 गया 0, ठीक है, 3 में 2 माइनस हो गया प्लस जगह, तो 3 2 5, ये 2 प्लस प्लस 4 अब 4 में 1 गया 3 माइनस 3 तो जगह माइनस 5, 2 प्लस तो 0 हो जाएगा, 1 में से ये 2 माइनस में प्लस 5 तो ये 6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 और ये माइनस, तो माइनस 6, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसका 1/2 ज्ञात कर लेते हैं, 1/2 a माइनस a डैश बराबर 1/2 पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर, 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 और 0, 1/2 अब अंदर करते हैं गुणा तो जाएगा 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 और ये 3 और ये माइनस 3/2 ये माइनस 3 और ये 0, ठीक ना। इसको मिटा लेते हैं, इसको c मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। c बराबर 1/2 a माइनस a डैश। अब इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, तो जगह c डैश बराबर देखिए क्या है, ये जगह 0 5/2 और 3 और ये जगह माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 और 0, ठीक ना। तो अब देखिए इसे क्या आया है c डैश, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3 माइनस 3 और 0। तो देखिए ये जो आया ये परिवर्त हो गया इसी। अब देखिए इसका ये जो ये आया है c के बराबर आ गया 0, ठीक ना। तो इसको ले सकते हैं माइनस c। तो देखिए c का परिवर्त माइनस के c के संग आ गया, इसका मतलब 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना। अब इनके योगफल के रूप में लिखना है, तो इनके योगफल के रूप में लिख लेते हैं। तो अब इसको यही मिटाना पड़ेगा, यही मिटा लेते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश बराबर, तो इनको जोड़ लेते हैं, देखिए क्या आता है, a प्लस a डैश कितना है, ये रहा, इसलिए इसको मिटाए नहीं थे, 3 1/2 माइनस 5/2
एक बटे दो माइनस दो माइनस दो माइनस पाँच बटे दो माइनस दो और ये दो प्लस एक बटे दो ये माइनस वाला लगेगा तो यहाँ लिख लेते हैं जीरो पाँच बटे दो तीन बटे दो माइनस पाँच बटे दो शून्य तीन माइनस तीन बटे दो माइनस तीन और शून्य। इसको देखिए हद जोड़ने के बाद ए प्राप्त होना चाहिए ठीक ना। देखिए जोड़ते हैं इनको, देखिए तीन में जीरो जोड़ेंगे तो तीन प्राप्त हो जाएगा और एक बटे दो और पाँच बटे दो को जोड़ेंगे तो छः बटे दो, छः बटे दो का तीन प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस पाँच बटे दो और तीन बटे दो को जोड़ेंगे तो माइनस दो बटे दो आएगा ठीक है। ऐसे जोड़ रहे हैं हम माइनस पाँच बटे दो प्लस तीन बटे दो तो तीन में पाँच या माइनस दो बटे दो कट के ये माइनस एक आएगा। तो इस प्रकार ये माइनस एक आ गया। इसी प्रकार इसको जब हल करेंगे तो जाएगा ये माइनस चार तो माइनस दो आ जाएगा, ये माइनस दो आ जाएगा और ये एक आ जाएगा और इसको पाँच तीन आठ माइनस चार आ जाएगा, तीन दो पाँच और ये दो आ जाएगा ठीक ना। देखते हैं ये ए के बराबर आया होगा माइनस दो, ये देखिए ये ए के बराबर आ गया ठीक ना। तो अतः इस रूप में हमने लिख लिया ए एक बटे दो, एक बटे दो प्लस ए डैश एक बटे दो ए माइनस ए डैश बराबर एक ठीक है। किसी एक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में हमने ये व्यक्त कर चार एक पाँच माइनस एक दो, एक पाँच माइनस एक दो। इसका पहले हम परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एक पाँच माइनस एक दो, अब इनका योगफल के रूप में ज्ञात कर लेते हैं a प्लस ए डैश जगह एक पाँच माइनस एक दो प्लस एक माइनस एक पाँच दो। तो इनका योगफल करते हैं तो देखिए एक और एक दो, पाँच में एक गया चार, ये जगह चार और दो दो चार ठीक ना। एक बटे दो निकाल लेते हैं इसका, एक बटे दो प्लस ए डैश बराबर एक बटे दो दो चार चार चार। तो ये जाएगा दो एकम दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो दुनी चार। और इसको हम b मान लेते हैं, b बराबर एक बटे दो ए प्लस ए डैश। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं b डैश बराबर देखिए एक दो है तो एक दो एक और दो हो गया, फिर ये दो दो है दो दो हो गया। तो देखिए सेम बराबर इस बराबर ही आ गया तो लिखेंगे b डैश बराबर b, अतः a प्लस एक बटे दो ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक ना। अब हम इसको a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, a माइनस ए डैश बराबर एक पाँच माइनस एक दो माइनस एक माइनस एक पाँच दो, इनको घटा लेते हैं। देखिए एक में एक गया शून्य, पाँच में दो माइनस में के प्लस तो पाँच एक छः ये माइनस छः और दो में से दो गया शून्य। तो इसका एक बटे दो निकाल लेते हैं, एक बटे दो माइनस ए डैश बराबर एक बटे दो जीरो छः माइनस छः शून्य। तो दो से भाग देंगे तो जाएगा जीरो ये तीन है ना, ये तीन और ये शून्य। तो इसको हम सी मान लेते हैं, एक बटे दो ए माइनस ए डैश। तो सी डैश देखिए क्या आता है, परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं हम सी का, तो जगह जीरो तीन है तो यहाँ जाएगा जीरो तीन, माइनस तीन जीरो है तो माइनस तीन जीरो स्तंभ में हो गया ठीक ना। तो देखिए इसमें हम माइनस कॉमा निकाल लेते हैं, सी डैश बराबर माइनस कॉमा निकाल लेंगे तो जगह जीरो थ्री
माइनस थ्री जीरो, तो देखिए ये c के बराबर आ गया, तो इसका मतलब c डैश माइनस c के बराबर है। तो अतः एक बटे दो a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना, विषम सममित आव्यूह है। तो हम इनको इनके सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में इनको व्यक्त करते हैं, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। पर तो देखिए यहीं लिख लेते हैं, देखिए एक बटे दो ए प्लस ए डैश प्लस एक बटे दो ए माइनस ए डैश बराबर, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ये रहा एक दो 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 प्लस और ये है, ठीक ना, ये एक बटे दो आया हुआ है और ये लिखिए यहाँ पर जीरो तीन माइनस तीन और शून्य, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए एक में शून्य जोड़ेंगे तो एक दो तीन पाँच, दो में से तीन गया माइनस एक दो, ये दो आ गया, ठीक ना, तो देखिए ये ए आव्यूह आ गई, तो इस प्रकार ए हो गया। तो अतः क्या प्राप्त हुआ, एक बटे दो ए प्लस ए डैश प्लस एक बटे दो ए माइनस ए डैश बराबर ए आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा। इसमें विकल्प दिया हुआ है, देखिए पहला विकल्प है एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, बी सममित आव्यूह, सी शून्य आव्यूह, डी तस्मक आव्यूह, ठीक ना, इनमें से विकल्प है, तो इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हल कर लेते हैं, देखिए इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चूंकि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक ना, तो सममित आव्यूह हैं, इसका मतलब ये आव्यूह ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा, ठीक ना। तो अब हमको इसको ज्ञात करना है, तो इसको देख के ज्ञात करते हैं, ए बी माइनस बी ए बराबर, देखिए इसका क्या करते हैं, हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, ठीक ना, तो परिवर्त क्या हो जाता है, देखिए ये होगा ए बी का परिवर्त और बी ए का परिवर्त, ठीक ना, ये क्या, ये प्रमेय था, ए माइनस बी का अगर परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ए के परिवर्त माइनस बी के परिवर्त के बराबर होता है, ठीक ना, तो यही हमने सिद्धांत लगाया, यही प्रमेय लगाया है इसमें। अब देखिए ये जब दो आव्यूहों का गुणनफल हो और उसके ऊपर परिवर्त हो, इसका परिवर्त हो, तो क्या होता है, बी परिवर्त ए परिवर्त माइनस ए परिवर्त बी परिवर्त, ठीक ना, ये वाला सूत्र लगेगा, ए बी का परिवर्त बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के बराबर के बराबर होता है। अब चूंकि बी परिवर्त बी के बराबर है तो लिख लिया ए का परिवर्त ए के बराबर है, ए और बी लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक ना, तो देखिए इसका अगर हमने परिवर्त ज्ञात किया तो इसके निगेटिव माइनस के संग यही चीज़ आ गई, यही आव्यूह आ गई हमको, ठीक ना, ये पूरा आव्यूह है, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का माइनस साइन के संग आ गया, मतलब ए बी माइनस बी ए एक, देखिए माइनस के संग आया तो लिखेंगे विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना, विषम सममित आव्यूह है, तो ये रहा विषम सममित आव्यूह, ठीक ना। एक अंतिम क्वेश्चन है उसको देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 12 में है,
ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना। तो हमको ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना हमको, ठीक ना। तो ए है, ए डैश निकाल लेते हैं पहले। ए डैश क्या आता जाएगा, कॉस अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना। जो इस पंक्ति में है उसको स्तंभ बदल लिया, ये इसको यहाँ स्तंभ बदल लिया, ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बदल लिया। और इसमें देखिए जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर आई, तस्मक आव्यूह है ये तत्सम। अब देखिए ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना। और ए डैश कितना आया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर 1100। इनको जोड़ लेते हैं, देखिए कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस टू कॉस अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये शून्य हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये टू कॉस अल्फा ये हो गया बराबर 1001। तो तुलना करेंगे, अगर दो आव्यूह समान हैं तो इनके लिखेंगे समान आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यह जाएगा टू कॉस अल्फा बराबर एक, तो हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो जाएगा कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई बाई 3। तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा बराबर पाई बाई 3, ठीक ना। कॉस 60 का मान पर 1/2 होता है, इसलिए अल्फा का मान पाई बाई 3 आ गया, ठीक ना। तो विकल्प बी सही हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त होती है। धन्यवाद।